डमरू या डुगडुगी एक छोटा संगीत वाद्य यंत्र होता है। डमरू का हिंदू, तिब्बती और बौद्ध धर्म में बहुत महत्व माना गया है। भगवान शंकर के हाथों में डमरू को दर्शाया गया है। साधु और मदारियों के पास अक्सर डमरू मिल जाएगा। शंकु आकार के बने इस ढोल के बीच के तंग हिस्से में एक रस्सी बंधी होती है, जिसके पहले और दूसरे सिरे में पत्थर या कांसे का एक टुकड़ा लगाया जाता है। जब डमरू को बीच में से पकड़कर हिलाया जाता है तो यह टुकड़ा पहले एक मुख की खाल पर प्रहार करता है, फिर उलटकर दूसरे मुख पर, जिससे डुगडुग की आवाज़ उत्पन्न होती है, इसलिए इसे डुगडुगी भी कहते हैं। आपको बता दें कि जब डमरू बजता है तो उसमें से 14 तरह के साउंड निकलते हैं और पुराणों में इसे मंत्र माना गया है। पुराण के अनुसार भगवान शिव के डमरू से कुछ अचूक और चमत्कारी मंत्र निकले थे। कहते हैं यह मंत्र कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। कोई भी कठिन कार्य हो, शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। उस मंत्रों या सूत्रों के सिद्ध होने के बाद जपने से सर्प बिच्छू के कांटे का जहर उतर जाता है, ऊपरी बाधा हट जाती है। माना जाता है कि इससे ज्वर, सन्निपात आदि को भी उतारा जाता है। डमरू की ध्वनि जैसी ही ध्वनि हमारे भीतर भी बजती रहती है। इसे आ ऊ और माँ या ओम कहते हैं। हृदय की धड़कन और ब्रह्मांड की आवाज़ में भी डमरू के स्वर मिले हुए हैं। डमरू की आवाज़ लय में सुनते रहने से मस्तिष्क को शांति मिलती है और हर तरह का तनाव हट जाता है। इसकी आवाज़ से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां भी दूर हो जाती हैं। डमरू भगवान शिव का वाद्य यंत्र ही नहीं, यह बहुत कुछ है। इसे बजाकर भूकंप लाया जा सकता है और बादलों में भरा पानी भी बरसाया जा सकता है। डमरू की आवाज़ यदि लगातार एक जैसी बजती रही तो इससे चारों ओर का वातावरण बदल जाता है। यह बहुत भयानक भी हो सकता है और सुखदायी भी। डमरू के भयानक आवाज़ से लोगों के हृदय भी फट सकते हैं। कहते हैं कि भगवान शंकर इसे बजाकर प्रलय भी ला सकते हैं। यह बहुत ही प्रलयंकारी आवाज़ सिद्ध हो सकती है। डमरू की आवाज़ में कई रहस्य छिपे हुए हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।